वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बीवेयर ऑफ यूजिंग फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग ईद अल फितर अप टू 10,000 दिरहम फाइन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईद अल फितर के ऊपर आपको 10,000 दिरहम का फाइन हो सकता है अगर आप ये काम यूएई के अंदर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट देखिए और इसी के अंदर मैं डिटेल बताऊँगा कि इस चीज़ को क्यों यूएई के अंदर बताया गया और क्यों फ़ाइन आपको होगा और इसकी क्या रीज़न है। फायर क्रैकर्स के हवाले से आपको 10,000 दिरहम का फ़ाइन होगा, इसकी क्या रीज़न है और उसके पीछे क्या वजूहत है, वो सारी डिटेल आज एक ही इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो की डिटेल। अबू धाबी पुलिस हैज़ वॉर्न्ड रेजिडेंट्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग विद फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग ईद अल फितर। तो अबू धाबी पुलिस ने वार्न किया है रेजिडेंट्स को कि जितना भी खतरा हो सकता है बच्चों को जो कि फायर क्रैकर्स के साथ खेलते हैं ईद अल फितर के ऊपर, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फायर क्रैकर्स के साथ जो है वो खेलते हैं, इससे कितना खतरा हो सकता है, बच्चों को क्या नुकसान हो सकते हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर बताया है। ब्रिगेडियर सलीम हमूद अल बलूशी, डायरेक्टर ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स डिपार्टमेंट इन द सिक्योरिटी एंड पोर्ट्स अफेयर सेक्टर्स, अर्ज ऑल पेरेंट्स टू बी केयरफुल एंड मोनिटर देयर चिल्ड्रन एज फायर क्रैकर्स कुड काज सीरियस इंजरीज एंड फायर बिसाइड्स एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों उन्होंने बताया है कि अपने बच्चों के ऊपर आप नज़र रखें, पेरेंट्स को अर्ज किया है कि बी केयरफुल और अपने बच्चों के को मोनिटर करें, उन पर नज़र रखें कि वो फायर क्रैकर के साथ जो है वो ना खेलें और उनको यूज़ ना करें, ताकि इससे बहुत सी सीरियस इंजरीज होती हैं और बहुत से जो है वो नुकसान होते हैं, आग भी लग सकती है, सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं और एयर पोल्यूशन भी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया है कि आप अपने बच्चों को मॉनिटर करें और अपने बच्चों के हवाले से एहतियात करें, ताकि आपके बच्चे फायर क्रैकर्स जो हैं वो ना ख़रीदें और उनके साथ प्ले ना करें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से, इट्स अ गुड स्टेप एंड गुड अप्रिशिएटेबल स्टेप टेकन बाई अबू धाबी गवर्नमेंट दैट दे आर मेकिंग अवेयरनेस, दे आर यू नो स्प्रेडिंग अवेयरनेस बिटवीन द चिल्ड्रन एंड बिटवीन द पेरेंट्स। द पुलिस लॉन्च्ड अ कैंपेन टू रिड्यूस फायर क्रैकर्स यूजेज इन 2018 अंडर द नेम डोंट रून और जॉय, एम्फोसाइजिंग दैट इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग मैनुफैक्चरिंग ऑफ फायर क्रैकर्स इन साइड यू ए इज पनिशेबल बाय अप टू 6 months इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ अप टू 10,000 दिरहम्स। तो पुलिस ने जो है वो एक कंपेन लॉन्च की थी 2018 के अंदर, जिसका नाम ये था डोंट रून और जॉय, कि हमारा जो है वो सुकून बर्बाद मत करो, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टिंग, जिसके ऊपर ये इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना और मैनुफैक्चर करना क्रैकर्स जो होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, इनको यूएई के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और मैनुफैक्चर करना, इसको पनिशेबल करार दिया गया है और इसको 6 महीने तक आपको इम्प्रिजनमेंट जेल में जाना जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और अप टू 10,000 दिरहम फाइन हो सकता है इस काम के लिए, अगर आप इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ये जो एक्सप्लोजिव फायर क्रैकर्स होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, आपका एयर पोल्यूशन भी होती है और बच्चों को भी नुकसान होता है, आग लगने का ख़तरा होता है और सीरियस इंजरीज होती हैं। तो दोस्तों इसको बचने के लिए इस चीज़ को मॉनिटर करें अपने बच्चों को और एहतियात करें, ताकि आप बच सकें इस चीज़ से।